तो फैजू के दोस्त अदनान ने एलविस यादव के बारे में बोला कि इस बंदे को तो बिग बॉस से धक्के मारकर बाहर निकाल देना चाहिए। अब उन्होंने ऐसा क्यों बोला, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो अभी से कुछ साल पहले एलविस यादव ने अदनान, फैजू और उनके टीम यानी कि टीम 07 को रोस्ट किया था, और इसी वजह से अदनान जो है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा थे एलविस यादव से। और फाइनली जब रिसेंटली उनका इंटरव्यू लिया जा रहा था तो उन्होंने एलविस यादव के एक बहुत ही पुराना वीडियो शेयर किया, जहां पर एलविस यादव जो है वो सलमान खान को रोस्ट कर रहे थे और उनको थोड़ा अब्यूज भी कर रहे थे। तो एलविस यादव का यही पुराना वाला वीडियो शेयर करते हुए अदनान ने बोला कि ये बंदा बिल्कुल भी बकवास है और सिर्फ गाली गलौज कर फेम पाना चाहता है। और उन्होंने मीडिया के सामने सलमान खान से रिक्वेस्ट किया कि इस बंदे को धक्के मारकर और बिग बॉस से बाहर निकाल दो। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने अभिषेक मल्हान यानी कि फुकरा इंसान का बहुत ही ज्यादा तारीफ किया और बोला कि ये जो फुकरा है ये बिल्कुल भी अच्छा बंदा है और दिल से खेलता है, तो बिग बॉस का विनर जो है वो इसी बंदे को बनना चाहिए। अब एग्जैक्टली उन्होंने क्या बोला था चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, पर उससे पहले ऐसी बिग बॉस से अपडेटेड रहने के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे कमेंट करके बताना कि आप इस बारे में क्या सोचते हो। वो सिस्टम वहाँ पे हैंग हो गया सलमान भाई के सामने और बहुत ही वो फेक पर्सनालिटी है, क्योंकि अभी रिसेंटली मेरे वन ऑफ द वेलविशर ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो हमारे फैंस के बारे में, टीम 07 के फैंस के बारे में और सलमान भाई के फैंस के बारे में बहुत उल्टा सीधा बोला है, और सलमान भाई के बारे में भी इतना उल्टा सीधा बोल रहा है और सामने आके अभी भाई भाई कर रहा है। सलमान मेरी फोटोज एडिट कर रहे हैं, मेरा स्क्रीनशॉट चैट के जो उसको एडिट कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं भाई। शुक्र मनाओ मोदी जी का कि लॉकडाउन होगा तो सारे पास हो गए, ना तो बहन साथ भी पास नहीं होते थे उसमें। वैसे तो सारी फेक आईडी तो मैच ही कराए, पर एक आधी जो दो तीन रियल आईडी मिल जाएंगी उनको खोल के देखोगे तो ना छपरी बांध रहे हैं ना मुंबई साइड के। तो ऐसे बहुत सारा उल्टा सीधा बोला है और मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसा कोई डुअल पर्सनालिटी वाला इंसान जो गाली देके ही खाली आगे बढ़ना चाहे वो इंसान डिजर्विंग है। मेरे हिसाब से फुकरा इंसान बहुत ही नीच खेल रहा है, बहुत ही क्लीन खेल रहा है, तो वो या तो मनीषा डिजर्विंग है।